हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक तरफ तो हम बैन चाइनीज प्रोडक्ट का हो हल्ला मचाए हुए हैं और दूसरी तरफ एमआई जैसे फ़ोन्स कुछ ही सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। हम चाइनीज फ़ोन्स के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि Xiaomi जैसे चाइनीज ब्रांड को इंडियन बिगेस्ट मोबाइल सेलिंग ब्रांड बना चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक Xiaomi 2019 में और अभी टॉप रैंक पर है, बल्कि 2019 में 27% से मार्केट के साथ और अब 30% से मार्केट के साथ है। सैमसंग जो नॉन चाइनीज मोबाइल है 19 से 16% पे आ गया है, वीवो 21% से 17% पे, ओप्पो 12% पे है और रियलमी 8% से 14% पे। और अदर कंपनीज जिसमें हमारे इंडियंस कंपनीज भी आती हैं 13% से 11% के शेयर मार्केट पर आ गई हैं। यह सर्वे क्वार्टर 4 2019 और क्वार्टर 1 2020 का है। इस रिसर्च से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह चाइनीज ब्रांड लोगों को गिरफ्त में ले रहे हैं और इंडियन ब्रांड्स को छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। गाइज, मैं ये नहीं कहता कि जो आपके पास चाइनीज फ़ोन है उसे न चलाओ, बिल्कुल चलाओ, आखिर वो आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा जो न्यू मोबाइल खरीद रहे हैं, जो Xiaomi फ्लैश सेल में सेकेंड में ही मोबाइल को ख़त्म कर देते हैं, मेरे भाई आज वो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, हमसे धोखेबाजी कर रहा है। क्या हम उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? शायद वो भूल गया है कि उसकी आधी इकोनॉमी सिर्फ इंडिया में बिक रहे प्रोडक्ट की वजह से है। तो गाइज, आज के वीडियो में बात करूंगा सारे चाइनीज मोबाइल ब्रांड के बारे में जो इंडिया में छाए हुए हैं, जिन्हें अब हमें परचेज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जगह पे कौन सा मोबाइल ब्रांड यूज करें इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चाइनीज ब्रांड नेम है Xiaomi, जिसके सब ब्रांड है रेडमी, एमआई, पोको और ब्लैक साग, जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि ये सारे Xiaomi के ही सब ब्रांड हैं। Xiaomi इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल सेल करता है और अकेले ही 30% शेयर पे हक जमाए हुए हैं। सेकेंड है वीवो, जिसका क्रेज भी कम नहीं है। इसके फ़ोन्स खासकर सेल्फी कैमरे के लिए जाने जाते हैं, जिसे आप खरीदना बंद कर दीजिए। थर्ड है ओप्पो, जो कि एक फेमस ब्रांड है। फोर्थ है रियलमी, जो कि 2018 में इंडिया में आया और अब इसका नाम टॉप मोबाइल कंपनीज में गिना जाता है। रियलमी फ़ोन्स कम दाम और स्पेक्स ज़्यादा के रूप में जाने जाते हैं। रियलमी इंडिया के नाम से जाना जाने वाला ये ब्रांड एक चाइनीज ब्रांड है। इसके बाद वन प्लस, जो कि प्रीमियम फ़ोन्स बनाते हैं, यह भी एक चाइनीज कंपनी है। एक इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स आपको बताता हूँ, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ये सारे मोबाइल ब्रांड एक ही कंपनी के हैं, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। लोगों को इसका सच पता ना चले, इसके लिए इसने हर एक ब्रांड का एक अलग अलग सीईओ बनाया हुआ है कि लोगों को लगे कि ये सारी कंपनीज अलग अलग हैं। आपको यकीन ना हो तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेनेवो और उसी का सब ब्रांड मोटरोला, जूक मोबाइल, ये सब चाइनीज मोबाइल है। हुआवे और उसका ये सब ब्रांड है ऑनर, ये भी चाइनीज मोबाइल है। कूल पैड, जोपो मोबाइल, हायर, टेनोर, लीको, मी टू, मेजू, TCL, GTE, ये सारे चाइनीज कंपनी है जो इंडियन मार्केट में छाए हुए हैं। तो ये बात हो गई उन चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स की जिन्हें हमें बाई नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं उन मोबाइल ब्रांड्स के बारे में जिन्हें हमें इनकी जगह पे बाई करना चाहिए। तो गाइज, ये बात आप भी जानते हैं कि चाइना जितने कम प्राइस में ज़्यादा स्पेक्स देता है उतना इंडिया कंपनीज नहीं देती है, इसलिए मैंने इस वीडियो में अदर कंपनीज के भी ब्रांड्स की बात करी है। तो सबसे पहले इंडियन ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है माइक्रोमैक्स, जो कि एक समय में वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आता था और इसी का सब ब्रांड है यू टेलीवेंजर्स। उसके बाद लावा और उसका सब ब्रांड है जोलो। उसके बाद इंटेक्स, आईबॉल, लाइव, सेलकॉन जैसे इंडियन कंपनीज हैं। गाइज, आई नो अभी इन मोबाइल्स ब्रांड का कोई अच्छा मोबाइल नहीं है जो कि कंपटीशन में आ सके, लेकिन जब हम इन चाइनीज फ़ोन्स का बहिष्कार करेंगे तभी तो इंडियन कंपनी अच्छा फ़ोन बनाएंगी। तब तक हम अदर कंट्रीज के मोबाइल यूज कर सकते हैं जो चाइनीज मोबाइल को कम्पीट कर सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया की सैमसंग, जिसे कौन नहीं जानता है, अमेरिका का एप्पल और गूगल पिक्सल, जो कि प्रीमियम रेंज के बेस्ट मोबाइल हैं। इसके अलावा फिनलैंड का नोकिया, साउथ कोरिया का LG, जापान का सोनी और पैनासोनिक, ताइवान का HTC और ASUS जैसे बड़े मोबाइल ब्रांड हैं जिसके मोबाइल हम फिलहाल बाय कर सकते हैं। खबरों की माने तो माइक्रोमैक्स एक नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है। तब तक ये अदर कंट्रीज की मोबाइल कंपनी है ना, जिसे खरीदकर चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।